भैया फ्रूट्स कैसे दिए? जी मैडम, ये 100 रुपए किलो है और ये 300 रुपए किलो। इतना महंगा 300 रुपए किलो? अब मैडम आप तो जानती हैं, फलों में कहाँ बचत होती है, ऊपर से महंगे आ रहे हैं। भैया देखो झूठ मत बोलो, पास की दुकान पे तो इतने सस्ते थे और आप इतने महंगे दे रहे हो। भैया रहने दो, आप एक काम करो, आधी किलो ये कर दो और आधी किलो ये कर दो। जी मैडम अभी कर देते हैं। देन आधा किलो ना? हाँ भैया आप इतना महंगा दे रहे हो तो आधा किलो ही बहुत है। मैडम क्या बताए, आगे से ही महंगा आ रहा है तो। रहने दो भैया, मुझे पता है बहुत झूठ बोलने लग गए आजकल। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए हमने बिल्कुल ठीक दाम लगाया है, ये लीजिए आपके हो गए 2 किलो। अच्छा कितने हो गए इसके? मैडम 400 रुपया। भैया कैसी बात कर रहे हो, 400 रुपए? वो भी इन 4 फ्रूट्स के, ठीक ठीक बताओ, मैं 400 रुपए नहीं दूंगी। अरे मैडम हमने एकदम ठीक ठीक लगाया है, अब क्या भेदभाव करेंगे हम, हमने बिल्कुल ठीक लगाया है, 400 रुपए ही बनता है इसका। देखिए भैया मुझे अच्छे से पता है, आप झूठ मत बोलो। आप झूठ बोल रहे हो, इतना महंगा फ्रूट कर रखा है आप लोगों ने, अच्छा धंधा बना रखा है, अच्छे लोग देखे नहीं लूटने लग जाते हो। अब मैडम झूठ बोल के हमें कहाँ मिलेगा, छोटी मोटी सब्जी की दुकान है हमारी, इसी से हम अपना घर चलाते हैं, अगर आप लोगों से ठग करेंगे तो कहाँ चलेगा। मैडम हमने एकदम ठीक ठीक बताया, देखिए 400 रुपए बनता है उसका। देखिए भैया मुझे अच्छे से पता है, मैं डेली फ्रूट्स लेती हूँ और आप मुझे चलाओ मत, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, भोले बन बन के ना आप लोग सिर्फ लोगों को लूटते ही हो। मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगी आपके, और अगर आपने ज्यादा चूचा पड़ की ना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी कि आप महंगे फ्रूट्स बेच रहे हो। अमीर लोग देखते नहीं हो कि बस लगाने लग जाते हो महंगे पे महंगे दाम? मैडम देखिए मैडम ऐसी बात क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैया, देखिए ना हमारी छोटी मोटी सब्जी की दुकान है, हम यही बेच के पैसा कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, और एक मेम साहब आई वो 400 रुपए का फल लेकर गई है और हमें सिर्फ 200 रुपए दे के गई। वो तो भैया मैं देख ही रहा था कि बहुत देर से वो मोल भाव कर रही थी, मगर तुम्हारे पूरे पैसे भी नहीं दे के नहीं गई हैं और तुम्हारा तो काफ़ी लॉस हो गया। फिर तो कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करिए, एक किलो पपीता कर दीजिए और एक तरबूज कर देना, बाकी उसके पैसे भी मैं ही दे दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं भैया, उनके पैसे आप ही देंगे, हम इतने गिरे हुए इंसान नहीं है कि हम किसी और के पैसे आपसे लें। नहीं भैया कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, वो लड़की तो है ही ऐसी, अब उसने पैसे नहीं दिए आपके तो मैं ही दे दूंगा, कोई बात नहीं, आपका लॉस नहीं होना चाहिए ना, आप इतनी मेहनत से कमाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जैसे भले इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम है, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे छोटे लोगों का घर चल जाता है। धन्यवाद भैया। आप एक किलो पपीता कर दो मेरे को। ठीक है भैया अभी कर देता हूँ। ये लीजिए भैया। कितने हो गए? 200 रुपए किलो है पपीता भैया। ये लो भैया 200 रुपए मेरे और 200 रुपए उस लड़की के, ठीक है? अपना ख्याल रखना और ऐसे लोगों से दूर रहा करो भैया। आपने मेरा नुकसान होने से बचा लिया, वरना मैं गरीब किसके पास जाके रोता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे लोगों की वजह से हम गरीबों का पेट पल जाता है। बहुत शुक्रिया भैया।